कविवर महेंद्र मधुकर की काव्य कृति का लोकार्पण, मनाई गई महाकवि श्याम नंदन किशोर की जयंती। महाकवि श्याम नंदन किशोर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के लोकप्रिय कवि गीतकार थे। उनकी रचनाओं में प्रेम के तत्व पर्याप्त हैं, जो उनके स्वभाव में भी सन्निहित था। यद्यपि वे कम समय तक जीवित रहे, फिर भी महत्वपूर्ण सृजन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ये बातें मिठनपुरा स्थित मंजुल प्रिया भवन के सभा कक्ष में महाकवि श्याम नंदन किशोर की जयंती के परिप्रेक्ष्य में कविवर महेंद्र मधुकर की नई काव्य कृति किसी नई ऋतु में का लोकार्पण करते हुए अपने अध्यक्ष उद्गार में डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव ने कही। डॉक्टर प्रसाद ने आगे कहा कि मधुकर जी को मैं छात्र जीवन से ही जानता हूँ। इनके गीतों में प्रकृति और प्रेम की जो ताजगी तब थी, वह आज भी शेष है, जो इस नई काव्य कृति में भी दिखती है। समारोह की शुरुआत डॉक्टर किशोर के सहधर्मिणी डॉक्टर आशा किशोर के भावपूर्ण आशीर्वचन और संबोधन से हुई। मुख्य अतिथि बीआरई बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश राय ने कहा कि कोई गीतकार जब मुक्त छंद की कविताएं लिखता है तो उसमें सांगीतिका स्वाभाविक रूप से होती है। मधुकर जी की कविताओं में लय का प्रवाह शुरू से अंत तक दिखता है। विशिष्ट वक्ता कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि कविवर महेंद्र मधुकर जितने ही बड़े गीतकार रहे हैं, इस संग्रह को देखकर लगता है कि उतने ही बड़े कवि भी हैं। शब्द संयोजन और वाक्य विन्यास दोनों की विलक्षणता अपने कथ्य और शिल्प में चरम पर है। इस तरह की कविताएं पाठक आज भी पढ़ना पसंद करते हैं और इससे वे जुड़ते हुए प्रेरित होते हैं। इन कविताओं में रंग ध्वनि में तो ध्वनि रंगों में प्रवाहित है। जिन शब्दों को और परिवेश को आज की कविताओं से खारिज कर दिया गया है, वह भी इसमें प्रस्तुत होकर नया स्वाद देते हैं। विषय प्रवेश कराते हुए समारोह के संचालक कवि गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कहा कि 81 कविताओं का यह संग्रह कथ्य और तथ्य का पूर्णता में बोध कराता है। मधुकर जी की कविताएं जीवन राखी कविताएं हैं। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि इनकी कविताओं से जुड़कर आत्मीयता की अनुभूति होती है। कवि रमेश रितंभर ने कहा कि इनकी रचनाओं का स्वर ऋषि परंपरा से आधुनिकता तक अपनी पूरी चेतना के साथ है। अपने भावोद्गार में डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने 5 कविताओं का प्रभावशाली पाठ करते हुए कहा कि डॉक्टर श्याम नंदन किशोर मेरे गुरु थे और हमारी सृजन यात्रा की प्रेरणा स्रोत थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और पाया है। आयोजन में डॉक्टर लोकनाथ मिश्र, डॉक्टर वीरमणि राय, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मंजू कुमारी, रूबी कुमारी, मिलन कुमार, मानस दास, मौली दास ने भी अपने भाव प्रकट किए। आए हुए अतिथियों, विद्वत जनों तथा मीडिया बंधुओं का स्वागत सम्मान डॉक्टर सुनीति मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के गणेश प्रसाद सिंह ने किया। प्रस्तावना संस्कृति संगम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन नव संचेतनम प्रेम सागर के तत्वावधान में आयोजित 5 घंटे तक चलने वाला यह समारोह बड़ा ही अंतरंग और आत्मीय रहा। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।